हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स मार्टी क्रिएटर। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी कि 15 दिसंबर को BCECE LE और DCECE LE दोनों स्टूडेंट के फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट ऑर्डर आने वाला था। सो फाइनली आप सभी का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट ऑर्डर को जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपना अलॉटमेंट ऑर्डर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और जिन स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया उनको आगे क्या करना है, ऑटो अपग्रेडेशन क्या होता है, या फिर जो स्टूडेंट अपने ब्रांच से खुश नहीं है, अपने कॉलेज से खुश नहीं है, उनको क्या करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट ऑटो अपग्रेडेशन में यस कर देते हैं तो क्या उन्हें भी वो कॉलेज जाना होगा जिनमें कि उनका नाम अलॉट हुआ है। यानी आपके सारे डाउट को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे आना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बीसीसी की ऑफिशियल साइट को ओपन कर लिया है और आपको यहाँ पे आना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे, जहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला है BCECE LE के लिए, दूसरा है DCECE LE के लिए। पहला बीटेक में एडमिशन के लिए, दूसरा पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए। तो अगर आप BCECE LE का अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट नंबर पे क्लिक करना है। अगर आप DCECE LE का डाउनलोड करना चाहते हैं तो सेकंड नंबर पे क्लिक करना है। दोनों का प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाउनलोड करने वाले हैं BCECE LE का, यानी बीटेक वालों का, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, ठीक है, और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला डाउनलोड फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर DCECE LE, दूसरा मिलेगा डाउनलोड फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर BCECE LE इंजीनियरिंग 2021। तो अगर आपका BCECE LE है तो BCECE LE पे क्लिक करना है, अगर आपका DCECE LE है तो DCECE LE पे आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ BCECE LE का देखने वाले हैं तो BCECE LE पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप BCECE LE पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे कि आप काउंसलिंग के वक्त अपना लॉगिन आईडी बनाए थे तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो स्ट्रीम में आपको क्या देना है, BCECE LE है आपका तो BCECE LE, अगर कोई स्टूडेंट DCECE LE के लिए देख रहे हैं तो अपना DCECE LE चूज कर लेंगे। तो हम यहाँ BCECE LE के लिए देख रहे हैं तो BCECE LE हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर देना होगा, तो रोल नंबर चलिए हम यहाँ पे अपना दे देते हैं। रोल नंबर देने के बाद आपको पासवर्ड देना है, पासवर्ड आपको वही देना है जो कि आप काउंसलिंग के वक्त बनाए थे। तो चलिए यहाँ पे पासवर्ड हम दे देते हैं। तो चलिए पासवर्ड हमने यहाँ फिल कर दिया। पासवर्ड के बाद आपको यहाँ पे मांगेगा इंटर सिक्योरिटी कोड, उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो नीचे में दिख रहा है वो यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए फिल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा साइन इन। जैसे आप साइन इन पे क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आपको OTP मांगेगा। तो जो नंबर आप दिए थे रजिस्ट्रेशन के वक्त उस नंबर पे आपको एक OTP आया होगा या फिर आपके ईमेल पे भी आया होगा, दोनों का OTP सेम ही होता है। तो आपको इनमें से कोई एक OTP यहाँ पे दे के फिल करना है। तो चलिए OTP हम यहाँ पे फिल करते हैं। तो OTP फिल करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। देखिए प्रोसीड पे जैसे क्लिक किए आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे जैसे होम, रजिस्ट्रेशन डिटेल, च्वाइस फिलिंग, तो यहाँ पे आपने काउंसलिंग किया था, और यहाँ पे आपको आना है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ऑटो अपग्रेडेशन, डाउनलोड अलॉटमेंट ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो इस पे आपको फर्स्ट नंबर पे क्लिक करना है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ पे क्या आया है, राउंड फर्स्ट, फर्स्ट राउंड में इनका कॉलेज मिला है चॉइस नंबर 6, यानी कि जो ये कॉलेज चॉइस किए थे, जो अपना चॉइस फिलिंग में अपना कॉलेज फिल किए थे, तो 6 नंबर का कॉलेज इनको अलॉट हुआ है, ठीक है। कौन सा कॉलेज है, तो पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि 6 नंबर में इन्होंने पूर्णिया कॉलेज को दिया था तो 6 नंबर का कॉलेज इन्हें अलॉट हुआ। कौन सा इनको ब्रांच मिला है, मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल से ये किए थे तो मैकेनिकल मिला है, और सीट इनको मिला है कैटेगरी से, SC कैटेगरी से। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि इनको कौन सा चॉइस नंबर मिला है और कौन सा कॉलेज मिला है।
तो इसके बाद आपको यहाँ पे आना है फिर से सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे और यहाँ पे ऑटो अपग्रेडेशन में क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, यस और नो। तो यहाँ पे ऑटो अपग्रेडेशन इस स्टूडेंट को नहीं करना है, इनको जो कॉलेज मिला है इनको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इन्हें नो पे क्लिक करना होगा। अगर आप अपने कॉलेज से खुश नहीं है, आपको लगता है कि नहीं हमें ये कॉलेज नहीं मिलना चाहिए, इससे बेहतर कॉलेज आपको मिलना चाहिए, ठीक है, या आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पे ऑटो अपग्रेडेशन में यस कर सकते हैं। तो जैसे इन्हें ऑटो अपग्रेडेशन नहीं करवाना है तो इन्हें नो करना है। तो यहाँ पे जैसे आप नो पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ मैसेज आएगा, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, तो यस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप खुश नहीं है तो आप वहां पे दे सकते हैं, यानी कि आप ऑटो अपग्रेडेशन में यस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से आपको ओटीपी मांगेगा, तो चलिए ओटीपी हम यहाँ पे फिर से फिल कर लेते हैं। तो ओटीपी यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया, अगर आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है तो रिसेंड ओटीपी पे आप क्लिक कीजिएगा, ओटीपी आ जाएगा। तो सबमिट ऑटो अपग्रेडेशन यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो योर ऑटो अपग्रेडेशन नो हैव बीन सेव्ड, तो आपका ऑटो अपग्रेडेशन वाला काम हो चुका है। अब आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, और आपको तीन नंबर ऑप्शन पे आ जाना है, डाउनलोड अलॉटमेंट ऑर्डर। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और अपना अलॉटमेंट ऑर्डर यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है अलॉटमेंट रिजल्ट इनका, यहाँ पे इनका फोटोग्राफ है, यहाँ पे आपको नाम मिलेगा फर्स्ट आई रवि कांत रवि बीसीसीएलई, रोल नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है, मेरिट सीरियल नंबर आपको मिलेगा, और आपने कौन सा ब्रांच दिया था, जैसे देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, आपको कौन सा कास्ट है आपका, एससी, तो एससी यहाँ पे कास्ट दिख रहा है, यहाँ पे इनका पिताजी का नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी जो जो चीज आप सबमिट किए थे रजिस्ट्रेशन के वक्त सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस अलॉटमेंट ऑर्डर को आपको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड अलॉटमेंट ऑर्डर, ठीक है, तो इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो डाउनलोड करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या चीज यहाँ पे दिया हुआ है। रिपोर्टिंग सेंटर पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूर्णिया, तो देखिए इन्हें रिपोर्ट कब करना है, यानी इन्हें एडमिशन के लिए कब जाना है, तो इन्हें एडमिशन के लिए 16 दिसंबर से 18 दिसंबर, यानी दो दिन एडमिशन का समय है, सॉरी तीन दिन एडमिशन का समय है, 16, 17, 18, तो इस बीच में जाके इनको जाके वहां पे एडमिशन करवाना होगा, ठीक है। कैटेगरी से इनको मिला है सीट, तो एससी में इनका रैंक था 192, तो कैटेगरी के थ्रू मिला है इनको। तो चलिए अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड अलॉटमेंट ऑर्डर पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा यहाँ डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, ये अलॉटमेंट ऑर्डर है हमारा। अब जिन स्टूडेंट का नाम नहीं आया है, ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट का नाम नहीं आया है वो सेकेंड राउंड के लिए वेट कर लें, और इसके बाद के वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि फर्स्ट राउंड के जो अलॉटमेंट ऑर्डर को जारी किया गया है तो कितने रैंक से कितने रैंक तक लिया गया था, यानी ओपनिंग रैंक क्या है और क्लोजिंग रैंक क्या है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे फर्स्ट राउंड में जिन स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है तो कितने से कितने रैंक तक लिया गया है, और सेकेंड राउंड में कितने से कितने रैंक रहेगा आपका, तो सेकेंड राउंड में आपका नाम आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक बात हमने कहा था कि जो स्टूडेंट ऑटो अपग्रेडेशन में यस कर दिए, यानी जिनको अपना कॉलेज पसंद नहीं है, ठीक है, या मान लीजिए मैकेनिकल का कोई स्टूडेंट था, उन्होंने दूसरा ब्रांच चूज कर लिया था, उन्हें वो ब्रांच नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस बार से आपको पता है कि अगर आप मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हैं तो बीटेक आप दूसरे ब्रांच से कर सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो बीटेक आप दूसरे ब्रांच से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपना ब्रांच पसंद नहीं है या फिर आपको अपना कॉलेज पसंद नहीं है और आप ऑटो अपग्रेडेशन में यस करते हैं तो आपको फिर भी वो कॉलेज जाना होगा जिस कॉलेज में आपका नाम आया है, यानी फर्स्ट राउंड में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है आपको उस कॉलेज में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा, ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं एडमिशन में। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं ये टेलीग्राम में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो आप जाके जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन हो जाइए। और जो स्टूडेंट ऑटो अपग्रेडेशन में यस किए हैं, ठीक है, वो भी अपना कॉलेज जरूर जाए अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए, और जिनका फर्स्ट राउंड में नाम आ गया है, जो अपने ब्रांच से खुश है अपने कॉलेज से खुश है, उनको तो एडमिशन के लिए जाना ही है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, फिर भी आपके मन में कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में, धन्यवाद।